गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर हियर। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हो। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है थर्ड चैप्टर पे, वो दैट इज अ हाउस फॉर हिप्पो। अ हाउस मीन्स एक घर, किसके लिए? हिप्पो के लिए। हिप्पो हमें पता है, हिप्पोपोटामस, जिसकी पिक्चर से हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। He is hippo. One day, hippo said, "All my friends have houses." एक दिन, one day means एक दिन, hippo ने said means कहा, "All my friends have houses." मेरे सब दोस्तों के पास क्या है? Houses हैं। Houses मतलब मेरे सब दोस्तों के पास घर हैं। I should also have a house. I should means मेरे पास भी Also have a house कि मेरे पास भी एक घर होना चाहिए। Should means चाहिए। I don't know how to make a house। Hippo ने बोला, I don't know means मुझे नहीं पता, जो हम normally classes में भी use करते हैं और आपकी miss भी use करती है, right? कि I don't know। फिर Hippo ने बोला, how to make a house? How means कैसे, to make a house कि मुझे नहीं पता एक घर कैसे बनाना है। Make means बनाना। I will help you, said sparrow. Sparrow ने बोला, sparrow means चिड़िया। चिड़िया ने बोला कि I will help you, help you, help मतलब मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। There is your house, sparrow said, कि तुम्हारा यहाँ पे घर है। हिप्पो स्लोली क्लाइम्ब द ट्री एंड जम्प्ड इनटू द हाउस। हिप्पो ने क्या किया, वो स्लोली क्लाइम्ब करना मतलब चढ़ना, जो हम किसी भी, जब हम फॉर एग्जांपल जब हम किसी को बोलते हैं कि हम पहाड़ पे गए या हम ट्री के ऊपर चढ़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंब करना। क्या बोलेंगे? क्लाइंब करना। क्रैश, हिप्पो वॉज ऑन द ग्राउंड। हिप्पो ने सोचा कि जैसे स्पैरो का घर पेड़ पे होता है, तो उसका भी घर पेड़ के ऊपर है। हिप्पो ने क्या किया, पेड़ के ऊपर हम पिक्चर में देखेंगे, हिप्पो ने पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बट वो क्या किया, एकदम से नीचे ग्राउंड पे गिर गया। उसके बाद, आफ्टर दैट आई विल शो यू हाउ टू मेक अ हाउस, सैड रैबिट। वहाँ पे एक रैबिट भी था, उसने हिप्पो को बोला कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि, या मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शो मीन्स दिखाना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक हाउस कैसे बनता है, सैड रैबिट, है ना। ही डग अ बिग होल इन द ग्राउंड। उसने क्या किया, उसने डग मीन्स खोदना, बिग होल्स मीन एक बड़ा खड्डा कर देना। किसके अंदर किया था उसने खड्डा? ग्राउंड में। This is your house, said rabbit. यहाँ हमने पिक्चर में हमें दिख रहा है ना, एक बड़ा सा हॉल कर दिया उसने, जिसे हम खड्डा भी बोलते हैं, उसके अंदर वो हिप्पो चला गया। हिप्पो जम्प्ड इन। हिप्पो ने क्या किया, जैसे रैबिट ने बोला ये मैंने तुम्हारे लिए खोदा है, ये तुम्हारा अब घर है, हिप्पो एकदम से उसके अंदर जम्प कर गया। ही गॉट स्टक इन दैट हाउस। ही गॉट स्टक मीन्स फंस जाना, स्टक मीन्स कहीं पर फंस जाना, इन दैट हाउस। जो हिप्पो था वो वहाँ पे फंस गया था। जस्ट देन एलिफेंट वॉक्ड बाय, और वहाँ पे क्या था, जो एलिफेंट था वो वहाँ से जा रहा था, मतलब वो वहाँ से वॉक करते हुए निकल रहा था उस रास्ते से। ही पुल्ड हिप्पो आउट ऑफ द होल। उसने क्या, पुल्ड मतलब खींचना, किसी को ऊपर खींचना। उसने क्या किया, उसने हिप्पो को उस होल से या उस खड्डे से बाहर निकाल लिया। फिर उसने बोला, आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ हाउस, सेड एलिफेंट। फिर एलिफेंट ने भी उसे सेम बात बोली कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि घर कैसे बनता है, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम हमारा रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।